अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है अपना कायदा स्टार्ट कर चुके हैं, कायदा पढ़ रहे हैं। कुछ दुआएं जो है मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब वो साथ में रिवाइज़ करते हैं, इस तरह से आप सब रिवाइज़ करते हैं ताकि आप सबको वो अच्छे से याद हो। और खाना खाने से पहले बाकी दुआ पढ़ चुके हैं तो आप वो घर में पढ़ा करें। जब भी आप कुछ भी खाने लगें, जब आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि हम जब कहीं से आते हैं जाते हैं सलाम करते हैं, तो आपने वो चीज़ भी करनी है, उसको यूज़ में लाना है ताकि आप सबको वो भी याद रहे, ठीक है। और जब मैंने दुआ मैंने पढ़ाना स्टार्ट की है वो भी आपने जो है पढ़नी है ताकि आप लोगों को वो भी याद रहे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम तावुस तस्बीह पढ़ते हैं, उसके बाद हम सबक पे आएंगे। मेरे साथ पढ़ें तावुस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। तर्जुमा है, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद के शर से। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई सीक रेफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। इल्म इज़ाफ़े की दुआ, रब्बी विदनी इल्मा। ये मेरे रब हम सबके इल्म इज़ाफ़ा फरमा, आमीन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है, हम अपनी सूरत से स्टार्ट करते हैं। हमने नई सूरत याद करना शुरू की है, सूरत अन्नास, ठीक है। उम्मीद है कि आप जो पुरानी सूरतें जो आप पढ़ चुके हैं, सूरत इख़लास, सूरत अल-आसर, सूरत अल-कौसर, आप वो सब पढ़ते होंगे इंशाल्लाह, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अपने लास्ट डे, ठीक है। तो आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे सूरत अन्नास। قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس। दोबारा पढ़ें, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس, ठीक है। सो अब हमने पढ़ना है घर में दाखिल होने की दुआ, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं कि दुआ जो है किताब में शामिल है, स्टार्टिंग के पेज में आप देख सकते हैं वहां से। घर में दाखिल होने की दुआ, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। एक दफा फिर पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना, ठीक है। अब जो है हमने पढ़ना है पहला कलमा तर्जुमे के साथ, आप सब मेरे साथ पढ़ें। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो तर्जुमा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। अब हम अपने कायदे का सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ पढ़ें। आज हमने पढ़ना है खो, क्या पढ़ना है खो, मेरे साथ पढ़ें खो, मुंह गोल करके पढ़ें उसको
और अपनी हलक से आवाज निकालें, हो, ठीक है। हो को हम मोटा पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे हो, ठीक है। खौ के ऊपर होता है एक नुक्ता, खौ की पहचान ये है, ठीक है। इस तरह जिम के नीचे हा खाली और खौ के ऊपर होता है एक नुक्ता। खौ की आवाज क्या होती है, हो, क्या आवाज होती है, हो, हो का साउंड होता है हो, जिस तरह से अलिफ का साउंड होता है अ, बा का क्या होता है ब, ता का क्या होता है त, इसका क्या होता है स, ज, ह, हो, हो के ऊपर होता है एक नुक्ता। मैंने लास्ट सबक में आप लोगों के साथ जो है इनकी आदि अशकाल भी शेयर की थी कि इनकी आदि शक्ल कैसे होती है। इस तरह से मैंने बताया था कि जो जीम है ये इसकी आदि शक्ल है, ठीक है। अगर इसके नीचे एक नुक्ता आ जाए तो क्या बन जाता है, जी, नुक्ता हटा दूँ तो क्या बन जाता है, हा, और नुक्ता अगर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, ये हो, क्या बन जाएगा, हो, हो का साउंड क्या होता है, हो, और हो की आदि शक्ल होती है ऐसी, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक इनकी जो होती है आदि शक्ल होती है यहाँ तक, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप सबको याद है कि हमने अस्माउल हुस्ना भी याद किया है। अस्माउल हुस्ना कहते हैं अल्लाह के प्यारे नाम को, और हमने कौन कौन से अस्माउल हुस्ना पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अर रहमान, बड़ा मेहरबान, द मोस्ट ग्रेशियस, अर रहीम, रहम करने वाला, द मोस्ट मर्सीफुल, अल मालिक, बादशाह, द सुप्रीम लॉर्ड, अल कुद्दूस, बुराइयों से पाक ज़ात, फ्री फ्रॉम ऑल फ्लॉज। आज हम पढ़ेंगे अस्सलामु, क्या पढ़ेंगे, अस्सलामु, पढ़ें अस्सलामु, इसका तर्जुमा होता है सलामती देने वाला, द गिवर ऑफ पीस। दोबारा पढ़ें अस्सलामु, सलामती देने वाला, द गिवर ऑफ पीस। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप सबको अच्छा से याद हो जाए। फिर मानी ला क्लास, अल्लाह हाफिज़।